फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजन टेक। मैं हूं प्रदीप सिंह और मारुति सुजुकी की तरफ से नेक्सा के अंदर एक और एसयूवी जुड़ने वाली है, यानी कि ग्रैंड विटारा के बाद एक और अच्छी खासी एसयूवी जुड़ने वाली है जो कि प्लेटफॉर्म पे बनी है। वो है बलिनो के फ्रोंक्स नाम है इसका। और यहाँ पर आपको इस कार के अंदर, जरूरी नहीं है प्लेटफॉर्म बलिनो का है, लेकिन चेंजेस भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं बलिनो के। आपको सबसे पहले अपीरेंस में महसूस होगा कि ये कार ऊंची हुई उठी है बलिनो से। और यही नहीं, इसके डिज़ाइन एलिमेंट में भी काफ़ी माचोनेसपन आया, जैसे आपको देखने को मिल रहा है हुड लाइन एकदम स्ट्रेट आते हुए शार्पली नीचे की तरफ, एकदम नहीं आपकी वाइट ग्रिप के साथ मैच होती है। और वहीं पे साथ में ही जैसे आपको ग्रैंड विटारा में डीआरएस देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ थ्री पॉड वाले, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। उसी के नीचे ही काफ़ी अच्छा स्कल्पचर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डुअल जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, यहाँ पर आपको एलईडी लाइट दी गई है, ट्रिपल एलईडी रिफ्लेक्टर दिए गए हैं यहाँ पर, और नीचे की तरफ भी स्किड प्लेट में आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। और अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, वो यही है कि यहाँ पर अगर आप इस साइड पैनल की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी चेंज करा गया, इसे भी मस्कुलर बनाया गया है ताकि फ्रंट की तरीके से एक माचो लुक मिल सके। और पीछे आएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर व्हील आर्चेस देखने को मिलेगा, और नीचे 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए 195 सेक्शन के हैं। हाँ, एसयूवी के हिसाब से 195 सेक्शन के थोड़े छोटे टायर रहते हैं, आपको पंच में ऐसे टायर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको साइड मिरर में भी आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरे का थोड़ा सा मतलब एक फीचर का एहसास हो जाएगा कि हाँ इसमें मौजूद है। और बाकी डेर जो डोर है आपके ऊपर, जो इसके साइड के क्रीजेस है वो थोड़े से ब्लंट दिए गए हैं, यहाँ पर एकदम कर्वी है, स्मूथ है। लेकिन रियर में आप आएंगे तो इस पैनल के नीचे ही आपको एक और डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि स्क्वायर व्हील आर्चेस के आसपास दिख रहा है। अब आपको रियर साइड दिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको मेनली इस टेल लैम्प के आसपास जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ट्रिपल सिग्नेचर इसकी लाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो भी चालू नहीं है लेकिन आपको मैंने दिखाया। यहाँ पर इसकी टर्न इंडिकेटर एलईडी दिए गए, ये भी कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड है। एंड विंडो लाइन थोड़ा सा कूपे टाइप रूफ आ रही है इसकी, जैसे आपको दिख रहा है सामने की तरफ रूफ थोड़ी सी कूपे टाइप है, विंडो लाइन भी थोड़ी सी अच्छी खासी आ रही है, उभर के आ रही है। तो एक तरीके से इसका जो पूरा डिज़ाइन है पीछे की तरफ, मुझे ये कार काफ़ी अच्छी लगी बलिनो के मुकाबले। इसमें शार्पनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जो कि लास्ट बलिनो जनरेशन में शार्पनेस अच्छी खासी करी, वैसे ही दिया गया है। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, अब ये आपको मालूम है कि नॉर्मल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है जब थोड़ा सा बूस्ट देते हैं। अब यहाँ पर 308 लीटर का बूट स्पेस दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिकल है काफ़ी। अब बेसिकली क्या है कि इस कार के अंदर ना जो फीचर लिस्ट आ रही है वो भी बलिनो जैसी देखने को मिलती है। इंटीरियर आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर में भी काफ़ी अच्छी खासियतें मौजूद है। इंटीरियर के अंदर भी आपको बलिनो जैसा ही इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया है विद पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। अब इसमें ना यहाँ पर बेसिकली इस इंफोटेनमेंट के अंदर वही इंफोटेनमेंट आ रहा है जो आपको बलिनो में देखने को मिलता है, करीब 8.8 इंच का, जो कि सारे फीचर्स के साथ मौजूद है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। यहाँ पर से मिसिंग है आपको सनरूफ मिसिंग देखने को मिलेगा, और वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिसिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वो मिसिंग नहीं है, एक्चुअल बलिनो वाले ही फीचर्स इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सारे जो मैक्सिमम जो फीचर्स बलिनो में देखने को मिलते हैं वही सब मिलेंगे। सही है, लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ी बहुत फीचर लिस्ट आपको बता देता हूँ। HUD यहाँ पर दी गई है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी ऊपर होते हुए, यहाँ पर दिया गया है उसका स्विच, ये जब कार चालू होगी तभी HUD निकलेगा। और सामने की तरफ आपको एनालॉग दिया गया है, मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ आपको नॉर्मल। हाँ, तो यहाँ पर एनालॉग डिस्प्ले दिया है, बीच में बड़ी सी MID डिस्प्ले जो पहले आपको बलिनो में देखने को मिलती है। स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है जो कि यूजुअली थोड़ा सा टॉर्क पुश करता है, ज़्यादा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, HUD यहाँ पर अब मैं देखता हूँ ऑन होती है कि नहीं होती, अभी नहीं होती जब तक स्टार्ट नहीं होती। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल दिए गए हैं, चार्जिंग पैड दिया गया है, बाकी सिस्टम गियर नॉब है। और यहाँ पर आपको जो सारा इंटीरियर है नॉर्मल आपको थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश, थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश टाइप देखने को मिलता है। एक्यूरेट कलर मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ कलर के मामले में। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और हाँ, जैसे दिख रहा है यहाँ पर आपको स्विचेस भी दिए गए हैं व्यू एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो व्यू देखोगे तो आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जैसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें ना पूरा फ्रोंक्स की ही बनी आ रही है, लेकिन हाँ इसमें जो कलर ऑप्शन जो एक्सटीरियर का है वो ब्लू है, तो यहाँ पर वैसा नहीं दिया गया, तो ये भी काफ़ी ठीक है। लेकिन फिर भी
थोड़ा सा और एक्यूरेट करते जो पहले बनीलो में थोड़ा सा हमने बताया था कि हाँ कुछ अगर कलर बॉडी के साथ कुछ कलर मैच करके कुछ ग्राफिक्स होते तो अच्छा रहता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ देखने के मामले में काफ़ी एक्यूरेट है, बलिनो जैसी ही है। यहाँ पर ना स्टेरिंग व्हील पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैंने बताया पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर इसलिए दिए गए हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है 6 स्पीड का, जो कि 6 स्पीड ए ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताया मैंने दो इंजन ऑप्शंस आएंगे, बस आपको यही है कि इस एसयूवी में थोड़ा सा उठाने के बाद आपको थोड़ा सा अलगपन देखने को मिलेगा। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस अभी मेंशन नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी उठाई हुई है, डायमेंशन सेम है और अंदर भी स्पेस सेम दी गई है। अब यहाँ पर ना आपको मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ पीछे में कितनी स्पेस मिली और अंदर और बाहर आने में कितनी आसानी होगी। अब आपने देखा नॉर्मल बलिनो से थोड़ा सा अंदर और बाहर आना आसान है, क्योंकि हाँ स्पेस काफी अच्छी दी गई है अंदर की तरफ, जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें दी गई है। हाँ थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकरेस्ट एंगल जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर विड्थ की बात करूँ, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे हाथ का पूरा नहीं हो रहा है इस सीट के साथ। तो बेसिकली ऐसा है कि हाँ आसानी से 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको जैसे दिख रहा है एक सीट बेल्ट यहाँ पे दी गई है, एक मिडिल पैसेंजर के लिए दी गई है, और कोई भी इशू नहीं है। पीछे भी एसी वेंट्स और चार्जिंग सॉकेट मौजूद है। अब इस कार के अंदर ना खासियत क्या है कि आपको यहाँ पर ना दो इंजन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 1.2 लीटर का नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि आपको डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है बलिनो के अंदर, जो पावर प्रोड्यूस करता है 90 PS एंड 130 Nm टॉर्क। और दूसरा इंजन जो है वो रिटर्न हुआ है बलिनो में ही, पहले तो बलिनो में इंट्रोड्यूस नहीं करा, फ्रॉन्क्स में करा जाएगा, वो है 1.0 लीटर का बूस्टर इंजन जो कि पहले आता था, वही पावर प्रोड्यूस करके देता है लमसम 100.6 PS की और 147.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोनों ही का इंजन ऑप्शन में आपको मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन में 5 स्पीड AMT 1.2 में और 1.0 टर्बोचार्ज इंजन में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कार की प्राइसिंग और सारी चीज़ें अभी मेंशन नहीं करी गई। अब इस कार के बारे में ना आपके सामने मैंने सारी डिटेल रख दी है, वैसे ये बलिनो से थोड़ी सी ऊपर आ सकती है, जैसे मैंने बताया ब्रीजा से और के थोड़ा नीचे। अब प्राइसिंग जो है ज़्यादा नहीं, 70 से 80 हज़ार का फ़र्क हो सकता है और बलिनो एंड इसके बीच में, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत प्राइसिंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये माइट भी अप्रैल के आसपास बिकते हुए दिख जाएगी आपको शोरूम्स के अंदर, जो कि नेक्सा के ही आउटलेट्स में बिकेगी। तो नेक्सा में अब दो एसयूवी स्टाइल हो गई हैं, जैसा आपको मालूम है, एक तो ग्रैंड विटारा और एक फ्रोनक्स। तो यहाँ पर अब ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपको मेनली क्या देखने को मिल रहा है कि अब ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं, आप सुजुकी अरीना में आपको ऑप्शन मिल रहा है एक एसयूवी स्टाइल ब्रीजा देखने का, जो कि पीछे ही खड़ी है, और आपको नेक्सा में भी अब दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि सब 4 मीटर के अंदर अब दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं इस कार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन इज़राइल।